तुम दोनों ने मिलकर, तुम दोनों, तुमने और तुमने, तुम दोनों ने मिलकर जान मेरी ले ली। इस प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम नंबर 7 आपसे कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है। मैं समझा रहा हूँ आपको, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ एक दूसरा चार्ज एक कंप्लीट राउंड लगाएगा। क्या लगाएगा? कंप्लीट राउंड। तो आपसे सवाल ये किया गया है, कंप्लीट राउंड लगाने में उसको कितना वगड़न करना पड़ेगा। देखो, आपने इस तरह का एक क्वेश्चन किया है यहाँ पर, अगर आपने अच्छे से समझा हो तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कराया था, मैंने ये कराया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज पाथ पर अगर कोई चार्ज मूव करता है तो कितना वगड़न करना पड़ता, या फिर कितना वगड़न होता, तो वगड़न जीरो निकल कर आया था। सिमिलर पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपसे ऐसे कह रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ एक दूसरा चार्ज रिवॉल्व करेगा, तो सवाल ये है कि बताओ कितना वगड़न होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ या फिर नेगेटिव चार्ज, आपसे क्या कह रहा, हमसे कह रहा अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड एट अ पॉइंट, व्हाट इज द वर्क डन इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैरिड वंस राउंड दिस चार्ज अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कि ये पॉजिटिव चार्ज है, जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो किधर को लग रही होगी? अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूँगा तो ये दूर लग रही होगी, बाहर की तरफ को इसने लग रही होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर की तरफ को अलोंग द रेडियस लग रही होगी, अलोंग द रेडियस बाहर की तरफ को लग रही होगी, तो एक तरह से ये फोर्स है। लेकिन अगर इसके मोशन की बात करोगे तो मोशन कहीं ना कहीं इस तरह से हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से। तो मैं ये पूछूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बने तो भाई जीरो वगड़न होता है। ये वगड़न साइंटिफिक वर्क के अंदर ये प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वगड़न कितना होता है? जीरो होता है। ये तो आपने समझ लिया, ठीक है, वगड़न जीरो निकल कर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास वगड़न इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसका अगर वेक्टर फॉर्मेट देखोगे तो ये हो जाएगा एफ डॉट एस, अगर इसको खोलोगे तो एफ एस कोस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि थीटा जो है ये वो एंगल है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आया, दैट्स वाई कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, वक्र तो जीरो हो गया। लेकिन इसको एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है, समझा जा सकता है। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये सर्कल है, तो सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिक्स होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज साइक्लिक पाथ पर घूम रहा है, क्लोज लूप बना रहा है, तो कोई वगड़न नहीं करना पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह का कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये वाली बात भी आप समझ सकते हैं। तो एक ही चीज़ को आपने दो तरीके समझ लिया, यार आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, मज़ा आ गया, दो तरीके से आपने समझ लिया। थैंक यू।